जैसा कि आज फर्स्ट डे है हम लोग का डायरेक्ट टैक्स का, यानी इनकम टैक्स, जहाँ पे हम लोग फंडामेंटल समझेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये ज़रूरी है समझना कि वाई इनकम टैक्स क्यों ज़रूरी है हमें पढ़ने के लिए। क्योंकि देखो, हम लोग क्या है ना, हम लोग अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। तो अगर हम सभी लोग अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो हम टैक्स से दूर रह ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि कहीं भी अकाउंटिंग करेंगे तो सिर्फ डेबिट क्रेडिट ही करना है। अगर आप एज एन अकाउंटेंट जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अगर आप बुक कीपर हैं तो ठीक है, आपके लिए तो सिंपल सी जनरल एंट्री ठीक है, लेकिन आपको तब पर भी टैक्स का सामना करना पड़ेगा। अब जहाँ तक की बात करते हैं कि इसकी एज एन अकाउंटेंट आपको टैक्सेस की नॉलेज होनी चाहिए, बिना टैक्सेस के नॉलेज के आप एक अकाउंटेंट नहीं बन सकते। सीधी सीधी बात, एक बुक कीपर बन सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अकाउंटेंट बनने के लिए आपको टैक्सेस की नॉलेज चाहिए चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर हम लोग बात करें, कुछ टैक्सेस, कुछ टास्क होते हैं जो एक अकाउंटेंट को करने पड़ते हैं। क्या? जैसे कि अगर हम लोग बात करें कंपोटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ द एम्प्लॉयज़, अगर तुम अकाउंटेंट हो किसी कंपनी में तो तुम्हें अपने एम्प्लॉयज़ की, इसको चलो मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग लिखते हुए चलते हैं, समझते हैं। आखिर में वाई वी लर्न इनकम टैक्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहला चीज़ तो इसका सवाल का जवाब हमें पता होना चाहिए। बिकॉज, ठीक है ना, अगर हम बात करें एज एन अकाउंटेंट वी हैव टू डू फॉलोइंग टास्क, तो ये हमें टास्क करने पड़ते हैं, तो इस वजह से हम लोग को इनकम टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए। पहला नंबर, कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, ठीक है, टैक्सेबल इनकम हमें निकालनी पड़ती है ऑफ द एम्प्लॉय। अगर आप किसी कंपनी में एज एन अकाउंटेंट अगर काम करोगे तो पता है वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर उन सब का भी हिसाब किताब, किसकी कितनी सैलरी है, ठीक है, उनका भी हिसाब किताब आप ही को रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स रखने के लिए, उनकी सैलरी डिटेल्स पे क्या टैक्सेस आ रहा, क्या टीडीएस वीडियस काटना है, इन सब की नॉलेज आपको करना पड़ेगा। क्योंकि सैलरी आप पे करोगे तो आपको टीडीएस काटना ही पड़ेगा, तो उसके लिए आपको टीडीएस कोई अलग नहीं है इनकम टैक्स से। टीडीएस का मतलब ही क्या होता है? वो टीडीएस जो है वो भी एक तरह का क्या है, एडवांस इनकम टैक्स ही है, यानी वो डायरेक्ट टैक्स में ही आता है, ठीक है। तो इसलिए आपको इनकम टैक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बिना आप एम्प्लॉयज़ का टैक्स का कैंपुटेशन नहीं कर पाओगे। दूसरा नंबर, अगर एज एन अकाउंटेंट आपको और क्या काम करना पड़ता है, फिर कंपनी को कितना टैक्स देना, हमारी फर्म जो है उसने कितना कमाई किया, कितना टैक्सेस उसको देना पड़ेगा, ये सब का कंपटीशन भी आप ही को करना है, एज एन अकाउंटेंट आपको ही करना है ये सब। नेक्स्ट क्या है, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, कंपनी का इनकम टैक्स रिटर्न। अब जाहिर से बताए, कंपनी आपको अकाउंटेंट बनाई है, आपको जाहिर सी बात है 60,000 70,000 रुपये महीने का पे कर रही है, तो जाहिर सी बात अभी इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो किसी और से रिटर्न फाइल कराएगी। वो चाहेगी कि इनकम टैक्स रिटर्न आप ही फाइल करें। यू शुड टू रे अबाउट नो अबाउट दिस, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में पता होना चाहिए। तो इनकम टैक्स रिटर्न भी आप ही को फाइल करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर हम लोग बात करेंगे क्या, डिडक्शन ऑफ टीडीएस। टैली में थोड़ा मोड़ा आपने इसको पढ़ा होगा, टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसमें कहा जाता है कि पेयर की जिम्मेदारी होती है, जो पेमेंट कर रहा है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अगर किसी लिमिट से ज़्यादा अगर पेमेंट कर रहा है किसी खर्चे को, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो सैलरी हो, ठीक है, चाहे कमीशन हो, तो उस केस में क्या करना है, उसको एक सर्टेन परसेंट टैक्स काटना है। तो जाहिर सी बात है वो टीडीएस कितना कटना है, कहाँ कटना है, क्या रेट से कटना है, ठीक है ना, तो और उसको कैसे जमा करना है गवर्नमेंट को, क्या उसके लिए रिटर्न फाइल है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और टीडीएस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, टीडीएस कोई इनकम टैक्स से बाहर का चीज़ नहीं है, वो इनकम टैक्स में ही आता है। बिकॉज टीडीएस से आपसे भी पूछो व्हाट इज टीडीएस, तो हम लोग तुरंत बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जबकि सही मायने में इसका क्या आंसर होना चाहिए, व्हाट इज टीडीएस, टीडीएस इज एन एडवांस इनकम टैक्स। टीडीएस क्या है, एक तरह का एडवांस इनकम टैक्स ही है, ठीक है। तो कहाँ पे ये अप्लीकेबल है, कहाँ नहीं है, डिडक्शन ऑफ टीडीएस के लिए भी आपको इनकम टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आपको पेमेंट ऑफ टीडीएस भी करना है, आपको टीडीएस आप ही को पे करना पड़ेगा,
इवन इनकम टैक्स भी आप ही को पे करना होगा। अकाउंटेंट की जिम्मेदारी होती है कि टाइम पे टीडीएस जमा हो जाना चाहिए ताकि कंपनी को कोई फाइन पेनल्टी इंटरेस्ट नहीं देना पड़े। इनकम टैक्स भी टाइम से जमा हो जाना चाहिए, रिटर्न भी टाइम से फाइल हो जाना चाहिए। तो क्या डेट होता है, कैसे जमा होता है, ये सब आपको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए। सिर्फ थियरी नहीं पढ़ने से काम चलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, प्रैक्टिकल हम तब कर पाएंगे जब इसके पीछे का कंसेप्ट हम समझेंगे। तो उस कंसेप्ट को समझने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को इनकम टैक्स पढ़ना पड़ता है। तो एज एन अकाउंटेंट ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आप ही को ये सब करना है, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ टीडीएस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टीडीएस का पेमेंट करना, एंड और क्या करना है, और टीडीएस का टीडीएस रिटर्न फाइल। सर रिटर्न का मतलब वापसी नहीं होता है, रिटर्न का मतलब होता है ब्यौरा, यानी हमें टीडीएस का ब्यौरा भी जमा करना है। जिस तरीके से हम इनकम टैक्स रिटर्न की बात करते हैं तो इनकम टैक्स का ब्यौरा देना, रिटर्न मतलब यहाँ पे ब्यौरा से है, यहाँ पे वापसी नहीं करिएगा। सर और क्या काम करना होता है एज एन अकाउंटेंट? सर एज एन अकाउंटेंट आपका टीडीएस सर्टिफिकेट भी आपको इशू करना होगा, टीडीएस सर्टिफिकेट्स। किसी को टीडीएस सर्टिफिकेट्स के बारे में पता है कि नहीं पता है? आप लोग तो टैली में टीडीएस पढ़े हो। चलिए अच्छा ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। जैसे टीडीएस सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, हम अगर एम्प्लॉय की सैलरी से टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा कर रहे हैं तो एम्प्लॉय बोलेगा ना कि आप मेरा टैक्स जमा किए हो तो मेरे को इसका प्रूफ दो। तो उसका प्रूफ हम लोग उन्हें बना के देते हैं। तो उसका प्रूफ जो हम बना के देंगे, जाहिर सी बात है एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन भी एम्प्लॉयज में से हमने सैलरी लिया, सपोज करो हमने अपने मकान मालिक को रेंट दिया और उसके पेमेंट में से मैंने टीडीएस काटा, तो उसको मैंने सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा ना कि आपका इतना टैक्स मैंने गवर्नमेंट को जमा कर दिया है, ठीक है ना। तो वो सर्टिफिकेट इशू भी आप ही को करना है सर। और आपको अगर इनकम टैक्स नहीं पता होगा तो आप कहाँ से ये सब करोगे? ये सब चीज़ें आपको बस इतना बस बहुत है। अब इसके अलावा बहुत ज़्यादा पढ़ने, यानी कि हम इनकम टैक्स क्यों पढ़ रहे हैं? सिंपल सी चीज़ है, एम्प्लॉयज़ का कंपटीशन करने के लिए। और किस लिए पढ़ रहे हैं? जाहिर सी बात है कितना टैक्स कंपनी को देना है इसको हम असेस करने के लिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, इनकम टैक्स जमा करना, टीडीएस डिडक्ट करना, टीडीएस का पेमेंट करना, टीडीएस का रिटर्न फाइल करना, टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना, ये सब चीज़ें हम लोग को समझने पड़ेंगे। बिना इनको समझे आप एज एन अकाउंटेंट, अगर हम बात करें अकाउंटेंट तो नहीं, हाँ अगर आप चाहते हो कि हमें टैक्स की, हमें टैक्स नहीं पढ़ना, ठीक है ना, हमें टैक्स में नहीं जाना इतना, तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, आप सिर्फ जनरल एंट्री करने की अगर सोच रहे हो तो जाहिर सी बात है हम जनरल एंट्री जो करता है ना उसे हम लोग अकाउंटेंट नहीं कहते, उसे हम बुक कीपर कहते हैं। और शायद आप लोगों ने बुक कीपिंग की डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है। वॉट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? द प्राइमरी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, जो यानी कि जो प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। जो हम प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड जर्नल एंट्रीज, लेजर्स, इसी को हम लोग कहते हैं बेसिकली क्या, बुक कीपिंग। लेकिन आगे का काम करना है देन यू हैव टू नो अबाउट इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो अभी तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि वाई वी लर्न दिस टॉपिक, कि हम पढ़ क्यों रहे हैं इनकम टैक्स, वजह क्या है पढ़ने का, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनकम टैक्स अगर हम पढ़ रहे हैं, इसके लेवल की बात करें, पहला होता है, सबसे पहली चीज बेसिक लेवल, यस सर। सेकंड होता है क्या, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट समझते हैं, इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट की बात करते हैं। और थर्ड की बात करें, दैट इज कॉल्ड एडवांस। तो जब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, जैसे हम लोग किसी को भी जब हम लोग पढ़ाते हैं इनकम टैक्स, तो हम लोग जाहिर सी बात है इनकम टैक्स को भी तीन लेवल में बांटते हैं। अच्छा, बंदे को सिर्फ बेसिक नॉलेज देना है, बंदे को नहीं इंटरमीडिएट लेवल तक पढ़ाना है, नहीं बंदे को एडवांस लेवल तक पढ़ाना है, ठीक है। तो बंदे को अगर हम बेसिक लेवल पढ़ा रहे हैं तो बेसिक में बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं जो हम लोग उनको पढ़ाते हैं, या फिर उसमें क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या पढ़ा, हम लोग उन्हें पढ़ाते हैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स, पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज पहले देते हैं। फिर आपको पता है एक जो हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, तो इनकम फ्रॉम सैलरी चूँकि उन्हें पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उसे उन्हें वो सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी है। एक ये टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना होता है।
ओके, फिर हमें उन्हें डिडक्शंस के बारे में नॉलेज देनी होती है। ठीक है, और हमें कंपटीशन ऑफ टैक्स इनकम, टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हैं, टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमें उन्हें बताना पड़ता है। देन टीडीएस की नॉलेज देनी पड़ती है। देन हम उन्हें कवर करते हैं प्रोजेक्ट ऑन टीडीएस, क्योंकि टीडीएस की भी नॉलेज देनी पड़ेगी, बेसिक्स में ये सारी चीज़ें आती है। अब हम बात करेंगे क्या सेकेंड लेवल इंटरमीडिएट में क्या चीज़ प्लस हो जाता है। अब ये मत सोचिएगा कि इंटरमीडिएट में ऊपर की चीज़ें नहीं है, यानी कि ऊपर की चीज़ें तो है ही है। डू मैं लिख देता हूँ, डू मतलब कि बेसिक्स तो हमारा रहेगा ही रहेगा, इसके अंदर बेसिक ही लिख देता हूँ सबसे अच्छा, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग को पढ़ना होता है पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फिर हम लोग को पढ़ना होता है एडवांस, एडवांस टैक्स की बात करते हैं हम लोग कि व्हाट इज़ एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स पढ़ाना पड़ता है। देन इंटरेस्ट के बारे में कि कैसे हम इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, क्योंकि जायज़ पता बिजनेस में बिजनेस करोगे तो कई बार क्या होता है टैक्सेस आगे पीछे होते हैं, उसमें इंटरेस्ट पेनल्टी देनी पड़ती है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए आपको कि कब इंटरेस्ट देना कब पेनल्टी देना पड़ेगा ताकि हम उससे बच सकें। देन हम लोग को पढ़ना होता है रिटर्न ऑफ इनकम, दैट मीन्स इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में नॉलेज देते हैं। बेसिक्स में देखो रिटर्न हम लोग नहीं बताते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट में हम रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में बताते हैं। देन लास्ट जो होता है ना एडवांस, व्हाट इज कम्स अंडर द एडवांस, तो आप समझ गए होगे एडवांस में पहले बेसिक चीज़ तो होगी होगी, फिर इंटरमीडिएट भी होगी। देन आगे वर्क करते हैं और क्या चीज़ की नॉलेज देते हैं हम लोग। देन हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। देन कैपिटल गेन, देन अदर सोर्स, ठीक है। देन क्लबिंग ऑफ इनकम, देन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग को कवर करना होता है, यानी कि बेसिक्स इंटरमीडिएट। देखो ये मैं बता क्यों रहा हूँ, ये मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि कई बार आप लोग कहीं सुनोगे कि यार वहाँ तो डायरेक्ट टैक्स बेसिक लेवल से पढ़ाया जा रहा है, इंटरमीडिएट सिर्फ कवर करेंगे हम, एडवांस कवर करेंगे। तो बेसिकली हम लोग का जो ये पूरा बुक है, हम लोग को बेसिकली हम लोग को पूरा एडवांस लेवल तक हमें कवर करना है, पहले सबको ये पता होना चाहिए, ठीक है। देन अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग का जो बुक है उस पर आप लोग ध्यान से देखोगे तो बुक के ऊपर लिखा गया है, बुक के ऊपर लिखा है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। ये डायरेक्ट टैक्स है क्या, इसको हम लोग को समझना है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हम बेसिकली डायरेक्ट टैक्स में जैसे पता इनकम टैक्स इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं एक छोटे से वीडियो के थ्रू। ओके, और एक मिनट, इसमें शायद वॉइस का इशू आएगा तो मैं वॉइस क्लियर कर दूं पहले। वॉइस गुड्स आए एंड तो सही सर्विसेज रहेगा। टैक्स, बट बिफोर दैट वी नीड टू नो व्हाट इज द टैक्स। टैक्स इज द मनी व्हिच इज पेड टू द गवर्नमेंट। इट इज इम्पोज्ड ऑन योर इनकम, बिजनेस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and the transactions, so that the government can use this money in public interest and to pay off the national debts. There are actually two type of taxes. One is direct tax and other is indirect. The direct tax is whose liability cannot be shifted to someone else, like corporate tax, income tax, wealth tax, etc. But indirect tax is the tax whose liability can be shifted to someone else. It is central excise tax, sales tax, services tax, etc. Here the part.
अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की, सबसे पहली चीज तो आपको आपने जैसा कि देख लिया व्हाट इज टैक्स, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन उठता है यही चीज कि टैक्स क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल से आपको क्या बोलना है, टैक्स इज द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, ठीक है। तो इट इज द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, टैक्स क्या है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू का सबसे बड़ा साधन है, ठीक है, जिसके जरिए गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है, अपनी इनकम जनरेट करती है, ठीक। अगर हम आज की बात करें, अगर गवर्नमेंट के बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन हम बात करें 52% अप्रॉक्स इनकम वो अपनी कहाँ से जनरेट कर रही है, रेवेन्यू का जो पार्ट है, अगर हम रेवेन्यू की बात करें करीबन 52% रेवेन्यू अकेले वो टैक्सेस से जनरेट करती है। इसीलिए चूंकि मोर देन 50% रेवेन्यू गवर्नमेंट कहाँ से जनरेट कर रही है, टैक्सेस के सोर्स से, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ द मेजर सोर्स, यानी सबसे बड़ा सोर्स है रेवेन्यू का गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे टैक्सेस इंडिया में कितने तरह के हैं, तो जाहिर सी बात है अभी भी हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्ट टैक्स। अब मैं डायरेक्ट टैक्स में कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा और इनडायरेक्ट टैक्स, तो कई लोग आपसे डिस्कस करेंगे कुछ टैक्सेस को लेकर के, इसीलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। डायरेक्ट टैक्स में क्या रह गया, अब इनकम टैक्स। वैसे डायरेक्ट टैक्स में पहले तीन चीज़ें आती थी, पहली चीज़ इनकम टैक्स, ठीक है, दूसरी चीज़ आती थी गिफ्ट टैक्स, तीसरी चीज आती थी वेल्थ टैक्स, ठीक है। नाम सुना था कि नहीं सुना था इससे पहले किसी ने, ये तीन चीजें पहले डायरेक्ट टैक्स में आती थी, अब क्या है, ये गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स ये दोनों ही एबॉलिश हो चुका है। एबॉलिश मतलब अब ये दोनों ही टैक्सेस खत्म कर दिए गए, तो इसीलिए अब ये टैक्सेस चार्ज नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ एक ही टैक्सेस है, वो कौन सा है, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या रह गया है, जीएसटी, ठीक है। तो मेनली हमें जो पढ़ाई करनी है, जो हम लोग को मेजर जो हमने टॉपिक कवर करना है, वो इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, ठीक। तो गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये दोनों ही एबॉलिश हो चुकी है, ठीक है। हालांकि हमें अभी भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन या असाइनमेंट्स या एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे जहाँ वेल्थ टैक्स होगा, ठीक है। तो जाहिर से बताओ पुराने एग्जांपल्स हैं, बट नाउ अ डे वेल्थ टैक्स यानी जिसको हम संपत्ति कर कहते हैं, गिफ्ट टैक्स सब लोग समझ में आ रहा होगा, ये दोनों ही अब एबॉलिश हो चुके हैं, ठीक। यानी कि हम लोग को बेसिकली डायरेक्ट टैक्स में मेनली पढ़ना क्या है, इनकम टैक्स। किसी को अभी तक के टॉपिक में कहीं कुछ पूछना है या कहीं कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं आप लोग। एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चंस? चलिए ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट जो हम लोग का पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन है वो इनकम टैक्स है, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अभी इनकम टैक्स एक्ट 1961 है क्या, इसको हम लोग को समझना होगा, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट, बेसिकली एक्ट का मतलब समझते हो सब लोग, कानून जो कि पूरे भारत में लागू है, कब से लागू है ये, वो सन है 1961, बट ये एप्लीकेबल कब से हुआ, एप्लीकेबल इनटू इंडिया, ठीक है, एप्लीकेबल इनटू इंडिया 1 अप्रैल 1962, ठीक है। तो अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि पूरे भारत में एप्लीकेबल हुआ 1 अप्रैल 1962 में। क्यों अप्रैल 1962 में क्यों लागू हुआ, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, या डिस्कस क्या, अभी मैं आपको डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा और कुछ फंडामेंटल्स की नॉलेज आपको चाहिए। उससे पहले देख लीजिए ये इनकम टैक्स लॉ, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा पहले ये बता दूं इनकम टैक्स लॉ। अब हम जब लॉ की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, अभी देखो मैंने ऊपर इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात की, उससे पहले लॉ। अब लॉ में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है ये आपको पता होना चाहिए। देखो सबसे पहली चीज़ होती है एक्ट। इनकम टैक्स लॉ में क्या आ जाता है, इनकम टैक्स लॉ में आ जाता है इनकम टैक्स एक्ट आ जाता है,
ठीक है ना। तो एक्ट क्या बताता है, एक्ट क्या बताता है ये आपको पता होना चाहिए। एक्ट हमें ये बताता है व्हाट टू डू। व्हाट टू डू का मतलब समझते हैं, क्या करना है, क्या करना है, ये हमें कौन बताता है, ये हमारा एक्ट बताता है। जो इनकम टैक्स एक्ट है वो हमें क्या बताएगा, व्हाट टू डू। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इनकम टैक्स की बात बता रहा हूँ, कोई भी एक्ट हमें ये बताता है कि क्या करना है। अब इनकम टैक्स एक्ट है तो मतलब इनकम टैक्स में क्या करना है हमें, तो ये हमें एक्ट बताएगा। देन अगला क्वेश्चन होता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, सॉरी हाउ टू डू, कैसे करना है, ये कौन बताता है, ये हमें रूल्स बताता है हाउ टू डू। जैसे अगर आपको इनकम टैक्स चुकाना है, ठीक है, इनकम टैक्स हमें पे करना है, लेकिन पे कैसे करना है, उसके लिए कौन सा फॉर्म है, कौन सा चलान है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, हर साल हमको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, ये हमें एक्ट बताता है। लेकिन वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करना है, उसके लिए कौन सा फॉर्म होगा, ये कौन बताता है, ये रूल्स बताते हैं। ठीक है, तो हमारे इनकम टैक्स लॉ में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, हमें पहले एक्ट पढ़ना है, देन हमें रूल्स पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे कई बच्चे कहते हैं सर इनकम टैक्स रिटर्न मेरे को फाइल करना बताओ, तो मैं कहता सर पहले तो एक्ट तो पहले पढ़ लो, देन ना रूल होता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले हमें इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पहले एक्ट के बारे में नॉलेज रखनी पड़ेगी, देन रूल्स आते हैं। थर्ड नंबर क्या आता है, नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस हमारे इनकम टैक्स लॉ में आता है। व्हाट इज नोटिफिकेशन, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट क्या करती है, बीच बीच में कुछ आप लोगों को नोटिफिकेशन देती रहती है, अचानक कहती है कि इस चीज़ के ऊपर इतने टैक्सेस से इतना टैक्सेस हो जाएगा, या फिर सपोज करो इस चीज़ की डेट आगे बढ़ा दी गई है, तो गवर्नमेंट बीच बीच में डिसीजंस लेती रहती है और उसको क्या करती है, नोटिफिकेशन के जरिए पब्लिक में इशू करती है। तो नोटिफिकेशन जो इशू होती है अपने टैक्स के, इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, उन नोटिफिकेशंस को भी हमें देखना होगा। देन सर्कुलर्स होते हैं। अब सर्कुलर्स की बात करें तो सर्कुलर्स हालांकि हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सर्कुलर्स बेसिकली मेन जो मायने रखता है वो किसके लिए, सर्कुलर्स जस्ट लाइक ये डिपार्टमेंट्स आपस में करती है, जस्ट लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो बोलते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई देखो डिपार्टमेंट इस बार टैक्स का कलेक्शन ऐसे करेगी या इस तरीके से करेगी, तो वो सर्कुलर्स आपस मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक दूसरे विभागों के लिए सर्कुलर्स इशू करती है, तो ये सर्कुलर्स आते हैं। देन फिफ्थ कोर्ट डिसीजन। ओके, बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं लॉ में, ठीक है, जहाँ पे डिसीजंस आते हैं, कोर्ट के डिसीजंस आते हैं, और फाइनली जब कोर्ट के डिसीजंस आते हैं तो उसको भी बेस माना जाता है उस टैक्स, उस एक्ट को, या फिर कह लो इनकम टैक्स में सपोज करो कोई डिसीजन लिया गया, अब डिसीजन लिया गया, कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, उस डिसीजन को भी लॉ का एक पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने एक्ट बना दिया, रूल्स बना दिया, बीच बीच में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करती रहती है कि यार इस डेट का, इस चीज़ का डेट हम आगे बढ़ा रहे हैं, हम 31 जुलाई से हम इसको क्या कर रहे हैं, अगस्त कर रहे हैं, तो वो सब नोटिफिकेशंस भी आपको देखते रहना है। सर्कुलर्स की बात करें, हालांकि सर्कुलर्स डिपार्टमेंटल होता है, बट इसको अगर आप समझेंगे तो आपके लिए बेहतर ही है। मतलब हम लोग ये समझ रहे हैं कि इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या चीज़ें आती है, देन कोर्ट डिसीजन भी कवर होते हैं, कोर्ट डिसीजन भी कवर होते हैं इनकम टैक्स लॉ में, तो अगर हम देख रहे हैं तो पाँचों चीज़ें आती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है इस पर अभी आप धीरे धीरे समझोगे, लेकिन उसके लिए अभी हम इनकम टैक्स एक्ट चूँकि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, देन हमें एक्ट एंड रूल्स पढ़ने हैं, और एक्ट एंड रूल्स में भी सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, इनकम टैक्स एक्ट। तो एक्ट का मतलब सबको समझ में आया, एक्ट क्या बताता है हमें, व्हाट टू डू, क्या करना है, रूल्स क्या बताते हैं, हाउ टू डू, कैसे करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 की, लेकिन उससे पहले अभी जैसे मैंने बोला कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, बट ये लागू हुआ पूरे भारत में 1962 में, लेकिन इससे पहले हमें पढ़ना होगा हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स पढ़ने के लिए सब लोग रेडी हैं कि आखिर में इनकम टैक्स स्टार्ट कब से हुआ भारत में, और ये टैक्सेस का जो स्टोरी मैंने शायद एक बार पहले भी आपको पढ़ाया है, बट मैंने ओरली पढ़ाया हुआ है, बट इसको आज हम लोग एक वीडियो के थ्रू समझेंगे।
भारत की नींव है भारतीयों की आयकर अदा करने की सालों पुरानी परंपरा। आजादी के 86 साल पहले शुरू हुई ये परंपरा आज आजादी के 64 साल बाद भी जारी है। 1857 में भारत ने अपने पहले स्वतंत्रता संग्राम का उद्घोष किया। अंग्रेज सरकार को युद्ध पर हुए खर्च को पूरा करने के लिए अधिक राजस्व की आवश्यकता पड़ी। इसी के मद्देनजर तत्कालीन फाइनेंस मेंबर सर जेम्स विल्सन ने भारी विरोध के बीच पहला आयकर कानून प्रस्तुत किया, जिसे 24 जुलाई 1860 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति मिली। 5 वर्षों तक लगा ये टैक्स लैंड रेवेन्यू प्रशासन का एक छोटा सा अंग बना। पहले साल 30 लाख रुपए इकट्ठा किए गए। रूस के साथ युद्ध के कारण एक बार फिर अंग्रेज शासकों को अतिरिक्त राजस्व की जरूरत पड़ी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन ने इस बार 1886 में एक नए स्वरूप में इनकम टैक्स एक्ट लागू किया। इस बीच भारत में अनेक राजनीतिक बदलाव आ रहे थे। मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के तहत सन 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के अधिकारों का बंटवारा हुआ। आयकर को केंद्रीय विषय में रखा गया। 1922 में लागू किया गया ऐतिहासिक इनकम टैक्स एक्ट एक लंबे समय तक भारत में कर व्यवस्था का आधार रहा और 1924 में कर प्रशासन एक समर्पित सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सौंप दिया गया। उसके अधीन इनकम टैक्स कमिश्नर्स और अन्य अधिकारी नियुक्त हुए और एक नए आयकर विभाग का उद्भव हुआ। फिर 1947 में आई एक नई सुबह, नई सोच, नया निश्चय। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. विभाजन का कोहराम और अलग अलग रजवाड़ों को मिलाने का काम देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। सपने तो बहुत बड़े थे, सुख तो और उम्मीदें भी बहुत ज्यादा थी, और ये मालूम था कि इसके बाद जो भी करेंगे हम अपने देश के लिए करेंगे, अपने लिए करेंगे। आर्थिक विषमता मिटाने और देश के विकास में आयकर की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई। 1957 में नागपुर में IRS डायरेक्ट टैक्स स्टाफ कॉलेज की स्थापना हुई, जो अब राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी के नाम से जाना जाता है। 1961 में नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हुआ, जिसने प्रोग्रेसिव टैक्स एग्जम्पशन के जरिए बचत बढ़ाने और निवेश को पिछड़े इलाकों की तरफ मोड़ने जैसे व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति की। धीरे धीरे एक युवा राष्ट्र का निर्माण हो रहा था। 1 जनवरी 1964 को कर और कर प्रशासन की बढ़ती जरूरतों के कारण सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दो भागों में बांटा गया। डायरेक्ट टैक्सेस का कार्य सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को दिया गया। द ग्रीन रिवॉल्यूशन वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल बट फॉर द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट हैड अ गुड टेक्नोलॉजी दैट वाज पॉसिबल बिकॉज़ टैक्सपेयर्स वर प्रोवाइडिंग द फंड्स टू सपोर्ट। आयकर प्रशासन अब पहले से कहीं ज्यादा परिष्कृत हो रहा था। 90 के दशक में आर्थिक उदारीकरण की लहर से एक नए भारत ने उड़ान भरी। सरकार और जनता के सामूहिक उद्यम से विकास की गति कई गुना तेज हो गई। उदारीकरण से आयकर भी अछूता नहीं रहा, कर की दर कम हुई और कर संबंधी सेवाएं बेहतर। When you look around, you look at your country, look at the development, you feel that some of that development has come from my contribution towards my country. भारत में आयकर राष्ट्र निर्माण और स्वैच्छिक अनुपालन के सिद्धांत पर आधारित है। कर प्रक्रिया जितनी सरल होगी, अनुपालन उतना ही बढ़ेगा और राजस्व भी उतना ही अधिक इकट्ठा होगा। इसी सोच के साथ आयकर विभाग तेजी से ई गवर्नेंस की तरफ बढ़ा है। आईडी प्रूफ, कभी नहीं सोचा था इस कार्ड से लाइफ इतनी सिंपल हो जाएगी। बेंगलुरु स्थित भारत का सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर अपनी किस्म का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विकसित नेटवर्क है। यहाँ सारे ई फाइल रिटर्न्स प्रोसेस किए जाते हैं। मैंने जुलाई में ही अपने रिटर्न्स ई फाइल कर दिए थे और सितंबर में तो मुझे रिफंड भी आ गया। देश की हजारों बैंक ब्रांचों में आप कहीं भी टैक्स जमा कर सकते हैं। ये सहज और सुगम फॉर्म्स भी आपके और मेरे जैसे आम आदमी के लिए हैं। आप अपना डिडक्ट या डिपॉजिट किया हुआ टैक्स ऑनलाइन फॉर्म 26AS में भी देख सकते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज
growth and India's emerging role in the world, and nothing signifies that better than the modernization of the income tax department that has happened in the last couple of decades. अगर आप net savvy नहीं हैं, तो ये सज्जन आपकी मदद कर सकते हैं। ये एक tax return preparer यानी TRP हैं। करदाताओं को citizen charter 2010 में आश्वासित की गई समय सीमा में कर सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से आयकर विभाग ने आयकर सेवा केंद्र की स्थापना की है। अलग अलग भाषाओं, भिन्न भिन्न राज्यों, 12 करोड़ पैन कार्ड धारकों, 3.5 करोड़ करदाताओं वाले भारत में कर विभाग का काम काफी मुश्किल नजर आता है। पर इन सभी चुनौतियों का सामना करके वर्ष 2008-09 में आयकर भारत सरकार का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत बन गया है। टैक्स से काफी हद तक चेंजेस आते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री। जी हाँ, आपका आयकर आपके लिए और हम सब के लिए बना रहा है एक मजबूत और बेहतर भारत। यहाँ से आगे आयकर की क्या दिशा होगी, इसका उत्तर शीघ्र ही आने वाले डायरेक्ट टैक्सेस कोड यानी DTC में निहित है। DTC निश्चित रूप से आयकर को और सरल बनाएगा। I take this opportunity of congratulating the Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes, all the officers and staff for the tremendous achievement they have achieved during these years. Dedication to work and professionalism of the workforces of Income Tax Department have made it possible. काफी था समझने के लिए। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, व्हाट इज दैट, ये हिस्ट्री था।